this could be us. So back to what I was saying. This could be us. हेलो ट्रेडर्स, माय नेम इज गौरव पांडे एंड वेलकम टू स्टॉक्स टॉक्स। सो इस वीडियो में आप टी बैंक निफ्टी एनालिसिस करने जा रहा हूँ। उसमें मैं प्राइवेट बैंक का भी एनालिसिस करूँगा, पीएसयू बैंक्स का भी एनालिसिस करूँगा और साथ में आपको दो ऐसे स्टॉक्स बताऊँगा जो इंट्राडे के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं मंडे को ट्रेड करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली बात हम देखें कि बैंक निफ्टी कैसा है। बैंक निफ्टी में अगर हम 1 आवर टाइम फ्रेम में जाएंगे तो हमको दिखा था कि फ्लैग एंड पोल पैटर्न बना था। फ्लैग एंड ये रहा पोल और इसमें फ्लैग एंड पोल पैटर्न हमको बैंक निफ्टी में देखने को मिला था और उसका ब्रेकआउट बहुत अच्छे से हुआ था। तो हमको मूव मिला था कम से कम मिला था 2% का। 2% का मूव हमको बैंक निफ्टी में मिल गया था फ्लैग एंड पोल पैटर्न होने के ब्रेकआउट होने के बाद। और अभी हम देख रहे हैं कि 15 मिनट टाइम फ्रेम में दोबारा बैंक निफ्टी एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न बना रहा है 15 मिनट टाइम फ्रेम में। और इसका अगर हम रीसेंट रेजिस्टेंस देखें तो ऑल टाइम हाई के आसपास हम इसका बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होगा। और सपोर्ट देखा जाए तो सपोर्ट बैंक निफ्टी का हो 14,180 के आसपास। और रीसेंट इसके नीचे का सपोर्ट अगर देखा जाए तो वो है हमारा जो कि है 39,900 के आसपास। और उससे नीचे का सपोर्ट जो मेजर सपोर्ट है वो है हमारा 39,689 के आसपास। तो जैसे कि हम बैंक निफ्टी में अगर क्या ट्रेड करेंगे, हमारे व्यू कहाँ होंगे। मेरा बैंक निफ्टी में ये व्यू है कि अगर बैंक निफ्टी में ये वाली ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक होती है तो हमारा सीधे टारगेट हो सकता है 40,577 का और ऑल टाइम हाई का। और उसके ऊपर हम अगर ब्रेकआउट होती है ये रेजिस्टेंस तो हम रिटेस्ट पर बाई करके सीधे ऑल टाइम हाई में की तरफ इसको जा सकते हैं। 5 मिनट टाइम फ्रेम में देखते हैं ये फ्लैग एंड पुल और ज़्यादा क्लियर हमको ऑब्जर्व होगा। ये देखिए कितना अच्छा फ्लैग एंड पोल पैटर्न बना है इसमें। ये ट्रेंड लाइन बनी है इसकी, ट्रेंड लाइन एडिट करते हैं थोड़ी। ये बहुत अच्छी ट्रेंड लाइन बनी है, इसके ब्रेकआउट पर हम बैंक निफ्टी बाय कर सकते हैं लॉन्ग के लिए। बहुत अच्छी ट्रेड हमको अपसाइड में मिल जाएगी बैंक निफ्टी में। और डाउन साइड में अगर देखा जाए, हम अगर बैंक निफ्टी में ब्रेक डाउन हुआ तो हम इसको 40,000 इसी सपोर्ट के रीटेस्ट पर बाई कर सकते हैं। सीधा टारगेट हमारा होगा 39,913 के आसपास और उसके नीचे का टारगेट हमारा होगा 39,618 के आसपास। अब हम निफ्टी प्राइवेट पीएसयू बैंक्स को देखते हैं, निफ्टी पीएसयू बैंक कैसे लेवल पर हैं। सो निफ्टी पीएसयू बैंक्स अगर देखा जाए तो निफ्टी पीएसयू बैंक्स भी एक सिमेट्रिकल ट्राइंगल पैटर्न मुझे दिख रहा है। ये रही ट्राइंगल की लोअर ट्रेंड लाइन और ये रही ट्रायंगल की अपर ट्रेंड लाइन। तो इसमें एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्मेशन हो रहा है कि अगर हम निफ्टी पीएसयू बैंक का हम मेजर सपोर्ट देखा जाए तो मेजर सपोर्ट है 2,814 के आसपास। बहुत अच्छा सपोर्ट है जहाँ की अभी पीएसयू बैंक ट्रेड कर रहा है। और पीएसयू बैंक मुझे बहुत ज़्यादा बुलिस लग रहा है, अभी के हिसाब से बहुत ज़्यादा पुलिस लग रहा है। इसमें हमको सीधा टारगेट मिल सकता है, अगर हम यहाँ से लॉन्ग जाएं तो हमको सीधा टारगेट मिलेगा ये अपर ट्रेंड लाइन, प्लस अपर ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पर हम ऑल टाइम हाई के तक पीएसयू बैंक्स को ट्रेड कर सकते हैं। और अगर पीएसयू बैंक्स पर ब्रेकडाउन हुआ तो हम इसको रिटेस्ट पर दोबारा बाई करेंगे सपोर्ट के। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो कि है हमारा 2,757 और उसके बाद का सपोर्ट हमारा है 2,723। ये हमारे रहेंगे पीएसयू बैंक्स में नेक्स्ट टारगेट्स। सो निफ्टी प्राइवेट बैंक को अगर देखा जाए तो निफ्टी प्राइवेट बैंक में सेम सेटअप बन रहा है बैंक निफ्टी जैसा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि निफ्टी प्राइवेट बैंक में जो HDFC बैंक है, ICICI बैंक है, उनमें बहुत ज़्यादा परसेंटेज होता है बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा परसेंटेज होता है ICICI बैंक, HDFC बैंक। तो जैसा ही मूव निफ्टी प्राइवेट बैंक में आता है सेम वैसा ही मूव हमको देखने को मिलता है बैंक निफ्टी में। तो निफ्टी प्राइवेट बैंक में भी सेम सेटअप है हमारा जिसमें फ्लैग एंड पोल पैटर्न बन रहा है और इसी के ब्रेकआउट पर हम ट्रेड करेंगे। तो ये रहा रिसेंट रेसिस्टेंस, इसके अगर ये ब्रेक हुआ तो हम सीधे इसमें लॉन्ग पोजिशन जा सकते हैं, लॉन्ग जा सकते हैं बैंक निफ्टी में। और अगर यहाँ से इसका जो अगर ये जो रिसेंट सपोर्ट है अगर ये ब्रेक हुआ तो इसमें हम पुट ट्रेड कर सकते हैं जो कि है हमारा जो कि है हमारे नेक्स्ट सपोर्ट तो जो कि हमारा 20,683 और 20,564 तक। सो अब हम निफ्टी का एनालिसिस देखते हैं निफ्टी में क्या चल रहा है। निफ्टी में हमें दिख रहा है कि एक एक्सपेंडिंग प्राइस चैनल जैसा फॉर्मेशन हो रहा है, एक्सपेंडिंग प्राइस चैनल का फॉर्मेशन हो रहा है। ये है एक्सपेंडिंग प्राइस चैनल, अब हम इसको निफ्टी को अब हम देखते हैं निफ्टी में कैसा चल रहा है। निफ्टी में हम
हमें दिख रहा है कि एक्सपेंडिंग प्राइस चैनल की प्राइस चैनल का फॉर्मेशन हो रहा है। ये रही लोअर ट्रेंड लाइन और वो रही अपर ट्रेंड लाइन। तो इसमें निफ्टी का मेजर सपोर्ट दिखा जाता है। अभी ये निफ्टी बिल्कुल अपने मेजर सपोर्ट पर ही ट्रेड कर रहा है और इसका नेक्स्ट जो सपोर्ट्स हैं वो हैं इसके 17,942 और उसके नीचे का सपोर्ट इसका है जो कि है इसका 17,836। उसके ऊपर के हमारे अगर इसके रेजिस्टेंस देखा जाए निफ्टी के, तो इसमें रेजिस्टेंस है निफ्टी के, नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो है 18,251 और उसके ऊपर का रेजिस्टेंस हमारा है 18,382। इसमें अगर निफ्टी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देता है तो हम इसमें सीधे टारगेट लेंगे। पहले टारगेट लेंगे हम 18,254 का, उसके बाद हम इसके भी रिटेस्ट पर बाई करके सेकंड टारगेट लेंगे 18,378 का। ये रहेगा हमारा अगर निफ्टी में ब्रेकआउट हुआ तो। अगर निफ्टी में ब्रेकडाउन हुआ तो हम इसका ट्रेड करेंगे सपोर्ट के रिटेस्ट पर और हमारा टारगेट रहेगा 17,946 और हमारा सेकंड टारगेट रहेगा ये लोअर ट्रेंड लाइन। निफ्टी अभी थोड़ा बेयरिश प्राइस चैनल फॉर्मेशन हुआ है इसमें, या बेयरिश वेज कह सकते हैं हम इसे, बेयरिश वेज कह सकते हैं। तो इसमें अगर देखा जाए तो हमारा ऐसा कुछ फॉर्मेशन हो रहा है और इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये लोअर ट्रेंड लाइन अपनी टच करेगा। तो ये था निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। सो अब चलते हैं स्टॉक्स की तरफ कि हम मंडे को किन किन स्टॉक्स में ट्रेड कर सकते हैं। तो पहला जो स्टॉक है वो जिंदल स्टील। जिंदल स्टील में देखिए जैसे कि डिसेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है। ये रही इसकी अपर ट्रेंड लाइन और ये रहा हमारा बेस, ये रहा हमारा बेस। बहुत अच्छा सपोर्ट है इसके बेस पर और हम इसमें ट्रेड कर सकते हैं। बहुत अच्छा हमको टारगेट मिल जाएगा। हमको अगर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है तो हमको बहुत अच्छा टारगेट मिलेगा 432 का और सेकंड टारगेट हमको मिलेगा 442 का। सीधे अगर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है तो हम यहाँ से एंटर करेंगे। स्टॉप लॉस हमारा रहेगा इस ट्रेंड लाइन के नीचे और हमको सीधा टारगेट मिलेगा 442 का। और अगर हमको जिंदा स्टील में ब्रेकडाउन देखने को मिलता है तो हमारा टारगेट रहेगा नेक्स्ट सपोर्ट, जो मेजर सपोर्ट है वो जो कि है हमारा 414। तो इसमें ब्रेकडाउन में भी बहुत अच्छी ट्रेड बन सकती है। हम लोग ब्रेकडाउन में सीधे एंटर करेंगे यहाँ पर और रिटेस्ट पर बाई करके सीधे हमारा टारगेट रहेगा 414 का। हमारा दूसरा जो स्टॉक है वो है टाटा स्टील। टाटा स्टील में देख जैसे कि बहुत अच्छी एक ट्रेंड लाइन बन रही है और ये है इसका सपोर्ट। तो टाटा स्टील में बहुत अच्छा ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट प्लस रिटेस्ट हुआ है। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट सपोर्ट है जो कि जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है टाटा स्टील में जो कि है 13,224। बहुत अच्छा टारगेट अगर टाटा स्टील यहीं पर ओपन होता है तो हम बहुत अच्छा ट्रेड बन रहा है हमारा 1,296 के आसपास हम बाई कर सकते हैं और स्टॉप लॉस रहेगा हमारा ट्रेंड लाइन के नीचे और टारगेट रहेगा हमारा 1,324 के आसपास। तो हमारा बहुत अच्छी 1:4 के आसपास की ट्रेड बन जा रही है टाटा स्टील में भी। सो ये जो दो ट्रेड थी मैं आपको देना चाहता था और निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस मैंने आपको बता दिया है कि हम किस तरीके से कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट्स में मुझे बताना कि आपको अगर कोई क्वेरीज हैं तो, और मेरे टेलीग्राम प्लस इंस्टाग्राम पेज को भी ज़रूर फॉलो कर देना क्योंकि मैं उसमें डेली इंट्राडे चार्ट एनालिसिस प्लस स्विंग ट्रेडिंग के चार्ट शेयर करता रहता हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।